वेलकम स्टूडेंट्स, सिग्नल एंड सिस्टम में हमने सीखा डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, बेसिक सिग्नल्स क्या हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल का एनालिसिस कर सकते हैं जो हमें कम्युनिकेशन में मिले या कंप्रेशन के लिए मिले या कहीं ऑडियो हो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को हम बेसिक सिग्नल्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन पर अलग अलग ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा है कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के पैरामीटर्स क्या हैं, उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, यानी अगर हमें कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है तो हम उसको किस कैटेगरी में डिज़ाइन करेंगे, प्रैक्टिकली हम इन दोनों का कनेक्शन कैसे करेंगे। इसके बाद हमने देखा है LTI सिस्टम्स का, LTI सिस्टम यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के डिफरेंट पैरामीटर्स। अगर कंटीन्यूअस टाइम LTI है तो उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम है तो उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट फॉर्म्स को यूज़ करके, कैस्केडिंग को यूज़ करके या पैरेलल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, या उसके लिए अगर हमें स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनानी है तो ये एनालिसिस कैसे होगा। इसके बाद हमने देखा है कि अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, हम उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई डिजिटल फिल्टर है, तो अगर हम उसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो एनालिसिस के लिए हम जेड ट्रांसफॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे। किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम पर जेड ट्रांसफॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैलकुलेशंस कैसे होंगे और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एस्टिमेशन कैसे होगा, जेड ट्रांसफॉर्म की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिनकी सहायता से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें जेड ट्रांसफॉर्म दिया गया है तो उसका टाइम डोमेन वर्जन यानी xn का कैलकुलेशन यानी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो उसकी जो तीन अलग अलग प्रोसीजर है, तीनों प्रोसीजर्स में क्या मेथड है, क्या कैलकुलेशन है और क्या एग्जांपल है, वो हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म के बीच क्या रिलेशनशिप पाई जाती है। फिर हमने देखा कि अगर किसी सिस्टम का हमें यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स एस्टिमेशन करना है या ट्रांसफर फंक्शन का एस्टिमेशन करना है तो जेड ट्रांसफॉर्म की सहायता से हम ये कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कुछ बेसिक सिग्नल्स के जेड ट्रांसफॉर्म एस्टिमेशंस को। इसके बाद हमने देखा कि फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम किसी भी सिग्नल का कैसे कर सकते हैं फूरियर सीरीज फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके, अगर वो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है तो, अगर वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज और डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सभी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे एप्लीकेशन है और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। इसके बाद हमने मूव किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से भी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ही करते हैं अपने सिग्नल या अपने सिस्टम का। बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ किया जाता है सिस्टम्स के लिए, तो किसी भी कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम का एनालिसिस लाप्लास डोमेन में कैसे किया जाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। इसके बाद हमने देखा कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इसका एस्टिमेशन किसी भी नॉन स्टेशनरी सिग्नल के लिए हम कैसे करते हैं, जिसके बाद हमने एनालॉग फिल्टर और डिजिटल फिल्टर का एनालिसिस देखा। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमें किसी भी सिग्नल की सैम्पलिंग करनी है तो सैम्पलिंग की क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, सैम्पलिंग टाइम और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है और उस थ्योरम को हमें कैसे प्रूव करना है। इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए सैम्पलिंग के बेसिस पर। लास्ट में हमने देखा कन्वल्यूशन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हमें कैसे एस्टिमेट करना है। कन्वल्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हमारी सहायता करती है जब हमें किसी भी सिस्टम के रिस्पॉन्स को यानी कि आउटपुट को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रीट कन्वल्यूशन के ऑपरेशन को देखा ग्राफिकल कन्वल्यूशन के माध्यम से और टेबुलर कन्वल्यूशन के माध्यम से।
इसके बाद हमने डिस्कस की कन्वल्यूशन की प्रॉपर्टी, डिस्क्रीट कन्वल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो इस कोर्स में अभी तक हमने जो कंटेंट देखा, जिसके आधार पर हमने सीखा है, वो ये सारी चीज़ें हैं।